सब्सक्राइब कीजिए डीके वेबटेक चैनल को और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रेन कुमार फ्रॉम dkwebtech.com। और फ्रेंड्स, कई लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर अपने आप यूट्यूब वीडियो का इंट्रो कैसे रेडी करते हैं, प्लीज़ बताइए। और उनमें से एक जलिंदर जी महाराष्ट्र से, उन्होंने काफ़ी बार मुझे याद दिलाया कि सर प्लीज़ जल्दी से बनाइए और मुझे भी वैसा रेडी करना। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ का इंट्रो रेडी करता हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एक फिर से दिखा देना चाहता हूँ एक बार। ये हमारे वीडियो का इंट्रो फ्रेंड्स, ये कैसे रेडी करता हूँ मैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपके पास कैमटासिया स्टूडियो 9 होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन, ओके। और इसके बाद में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपके पास लोगो होना चाहिए आप जिस भी चैनल का बनाने जा रहे हैं इंट्रो। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपना एक लोगो रख लिया है जो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, और ऑलरेडी मैं इंट्रो में यूज कर चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है और लाइब्रेरी में आना है, सीधी सी बात है। लाइब्रेरी में आएंगे और यहाँ पे मोशन ग्राफिक्स पे आएंगे और यहाँ पे कुछ इंट्रो के क्लिप ऑलरेडी इसमें पड़े हुए हैं। सो आपको करना क्या है, यहाँ पे आएंगे मोशन ग्राफिक्स इंट्रो क्लिप्स के अंदर और यहाँ पे स्पिनिंग कंप्यूटर ये देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको जस्ट ड्रैग करेंगे और ये अपने ट्रैक्स पे ले आएंगे इसको, ठीक है। और इसको प्ले करके देखेंगे, सो ये देखिए ऑलरेडी रेडी है, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे करना क्या है, जैसे यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आता था, इसको हम थोड़ा सा पीछे करेंगे, ये देखिए टेक्स्ट है। आप इस टेक्स्ट को चाहें तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे और इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे चूंकि हमें लोगो यूज़ करना है, आप इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। सो अब इसे हमें dkwebtech सपोज दैट लिखना है तो dkwebtech.com ऐसे करके लिख देंगे, बट ये हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। हमें यूज़ क्या करना है, लोगो अपना आइकन यूज़ करना है हमें। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना आइकन लेंगे, यहाँ पे मीडिया फाइल पे आएंगे और यहाँ से अपना हम लोगो इंपोर्ट करते हैं, डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद में ये हमारा लोगो है फ्रेंड्स, और इस लोगो को हमने इंपोर्ट किया। अब हमें और क्या यूज़ करना है, हमें म्यूज़िक बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए। सो बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए आप फिर से लाइब्रेरी पे आएंगे और यहाँ पे म्यूज़िक ट्रैक्स कुछ दिए हुए हैं, म्यूज़िक ट्रैक्स पे आएंगे और जो मैंने यूज़ किया अपने इंट्रो में वो ये म्यूज़िक है। और आप चाहते हैं इसको प्ले करना तो डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये प्ले होके भी दिखा देगा, तो बट हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर ड्रैग करेंगे। सो देखिए काफ़ी लेंथी है, सो इसको हम शॉर्ट कैसे करेंगे, शॉर्ट कुछ नहीं करना है, जैसे ऐसे ही आपका माउस का जो कर्सर बन जाए जस्ट इसको ड्रैग करते हुए ले जाना है। और ये आपका, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। सो अब देखिए हमारी टाइमलाइन पे दिखने लगा, यानी ट्रैक जो यहाँ पे ट्रैक वन पे हमारा वीडियो क्लिप थी, ट्रैक टू पे हमारा ये म्यूजिक हो गया। आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, हम इसको ऊपर करना चाहते हैं, इसको म्यूजिक को नीचे कर रहे हैं, ओके यस। अब इसको प्ले करके देखेंगे, तो ठीक म्यूजिक हो गया है। अब यहाँ पे मैं लोगो पुट करना है, कहाँ पे, जस्ट इसकी स्क्रीन पे। तो इसको सबसे पहले लाएंगे, यानी कि जैसे स्क्रीन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यस जैसे वाइट होगी वैसे मैं लोगो यहाँ पे रखना होगा। तो मीडिया बिन पे आएंगे और लोगो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर लिया, तो इसको ड्रैग करेंगे, जस्ट यहाँ पे लाएंगे और हमें कहाँ तक ले जाना होगा, लोगो को थोड़ा सा छोटा करेंगे, अपने आप ही समझ में आ जाएगा जब ये लैपटॉप थोड़ा सा होल्ड होगा, यस ये देखिए यहाँ तक हमें लोगों को लाना है अपने, ओके यस। अब यहाँ पे आएंगे, बट लोगो भी काफ़ी बड़ा है तो इसको छोटा करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे पॉइंट्स बन गए हैं तो कॉर्नर्स पे इसको ऐसे करके शिफ्ट के साथ में इसको ऐसे करके ले जाएंगे ताकि बिल्कुल इक्वली छोटा बड़ा हो, और छोटा करेंगे इसको। सो देखिए ये फिट हो गया है इस पर, फिर से आप इसको देखिए, अब क्या बचा है, तो ऐसे करके आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए मेरा जो इंट्रो है वहां पे स्टार्टिंग वेलकम भी लिख किया था, तो वेलकम आपको लिखना है,
तो आप वेलकम के लिए एनोटेशन पे आएंगे और यहाँ से आप कोई भी एक टेक्स्ट ले लीजिए, जस्ट यहाँ पे आए और यस इसको ऊपर रखते हैं। और इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, हमने इसका ब्लैक कर दिया हुआ है। और फॉन्ट भी आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉन्ट लेंगे। और फ्रेंड्स इसके लिए आपका सिस्टम थोड़ा सा हाई फ्रिक्वेंसी का होना चाहिए, अगर आपका नॉर्मल सिस्टम है तो आपका हैंग कर जाएगा, प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो i3, बट ये भी कभी कभी प्रॉब्लम दे जाता है। और यहाँ पे हमें वेलकम यूज़ करना है, वेलकम। ओके इतना सा हमने कर लिया वेलकम। और इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बोल्ड भी कर सकते हो, बट मेक श्योर कि ये सिलेक्टेड होना चाहिए आपका। ठीक है, अब देखिए बोल्ड हो गया है। इसका फॉन्ट साइज आप बड़ा घटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है इसको अब, और इसको हमें लैपटॉप के पहले दिखाना होगा वेलकम को। ओके यस, यहाँ तक ताकि मेरा खत्म हो जाए, ऐसा इसको करना है कि जैसे लैपटॉप ओपन हो ये तुरंत ही ओपन हो हट जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एनिमेशन देंगे। ठीक है, ये टेक्स्ट है हमारा, तो इसके लिए आपको करना क्या है, बिहेवियर्स पे आओगे और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का बहुत अच्छा अच्छा एनिमेशन दिया हुआ है। आप जैसे जस्ट माउस ओवर करोगे तो यहाँ पे दिखाने लगेगा। आपको जो पसंद आए अपने हिसाब से कोई बेटर चूज करिए। सो मैंने यही वाला चूज करा, जंप एंड फॉल, और इसको ड्रैग करके लाएंगे, इसको ड्रैग कर देंगे और फिर से देखेंगे प्ले करके इसको। ठीक है, आप दूसरा कोई चूज करना चाहते हैं तो दूसरा कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। हम ये वाला करते हैं, फिर से करेंगे। हम इसके जो पुराने वाले पड़े इनको हटा देते हैं। यस, और ड्रॉप शैडो भी इससे हटा देते हैं, ऐसे करेंगे। और इसमें अब दूसरा हम एनिमेशन लेंगे, जैसे कि जो थोड़ा सा अच्छा हो, प्यारा सा बिल्कुल। ओके ये वाला यूज़ करते हैं, इसको जस्ट प्ले करेंगे फिर से। तो ऐसे करके आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे कि ये वाला, ये भी काफ़ी अच्छा एनिमेशन है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। और जो पहले यूज़ किया है वो हटा देंगे। इसमें ये मेक श्योर कि डबल डबल एनिमेशन नहीं देंगे, एक ही देंगे जो भी देना है हमें। अब ये वाला देख लेते हैं, सारे आप चेक करिए यहाँ पे। और अगर आप, एक्चुअली मैं पहले ऑलरेडी कैमटासी स्टूडियो 8.6 की एक सीरीज लॉन्च कर चुका हूँ, उसको देखिए, उस सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसके सारे टूल्स चेक करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको समझ में नहीं आ रहा है कैमटासी स्टूडियो 9.0, देन आप मुझे कमेंट करिए और मैं इसकी पूरी सीरीज लॉन्च करूंगा। ठीक है, सो फिर से यहाँ पे देखते हैं इसको। यस, ये बेस्ट है। अब इसके बाद करना क्या, जब आपका इंट्रो रेडी हो जाए, बस हो गया, बहुत ही सिंपल है, इजी है। अब करना क्या, आप इसको एक्सपोर्ट के लिए शेयर करेंगे लोकल फाइल, और यहां से आपको करना क्या है, MP4 ओनली 72p, यानी हमें 1280x720 चाहिए हमें YouTube के लिए। और यहाँ पे हमने YouTube इंट्रो के नाम से कर दिया, YouTube इंट्रो। ओके, और इसको सेव कहाँ पे कर रहे हैं हम, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे करेंगे और इसको फिनिश करेंगे। सो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, और ये आपका ये जो फाइल है वो रेंडर हो जाती है। और देखिए जहाँ पे भी आप इसको सेलेक्ट करें, जैसे डेस्कटॉप में मैंने किया था, ये देखिए यूट्यूब इंट्रो नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया है, और यहाँ पे इसकी फाइल ये रेडी हो जाएगी, आप इसको प्ले करके भी देख सकते हैं। तो ये हमारी रेंडरिंग कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, और इसको हम मिनिमाइज करते हैं। और ये जो हमारा इंट्रो रेडी किया हुआ था, तो अब इसको देखेंगे, सिंपल सा है और प्यारा सा है, कितना इजिली देखिए रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आपने यूट्यूब का वीडियो, यानी YouTube की वीडियो का इंट्रो ऐसे रेडी कर सकते हैं, और इसको एक बार आप बना के रख लीजिए, उसी को बार बार वहाँ पे मैनेज कर लीजिए, आपको बार बार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।